भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। केनंद रोधी जी बोल रहा हूँ जी। आज की वीडियो कवर कर रहे हैं मसर के डेयरी फार्म से। तो तीन पशुधन की मिल्किंग होगी जी, और भाई की तमन्ना थी कि दिल्ली से अब जो भाई महाराष्ट्र जा रही है भैंसे खरीदी जिन भाइयों ने, तो एक बार इनको ये दिखाए कि इनका दर पीछा कैसे है, क्योंकि बहुत भाई बोलते कि यार वैसे चटवा दिया कि इनका जड़थन किसी का भाई दूध आधार दूर किसी का लागा है। तो भाई जी तीनों का बच्चे छोड़ो। हाँ भैंसे जा रही है छह महाराष्ट्र, लेकिन चुवाई है जो तीनों की दिखाएंगे, क्योंकि भाई इतना अपने पास भी टाइम क्या भाई जी। अच्छा अच्छा ठीक है जी, इनका तीनों का छोड़ो बच्चे, और आप अभी देख पाओगे तीनों की मिल्किंग जी। मत भाई दूध दूध कितना कितना था इसमें, इस सरवाली में कितना दूध है? अच्छा जी, जिसके नीचे आप बैठे उसमें कच्ची भी आई है सभी जी। अच्छा अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ ये तो है, मैल मुन्ने से लगने के बाद क्या करवा हुआ जीत गया वो मास्टर जी? संतोष ने भेजिए, संतोष भाई के पास आ गए। बच्चा बांध दिया किसान भाइयों, अगर आपका पशु समय पर नया नहाता हो, बार बार फिरता हो, कम दूध देता हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्री डाइट खिलाओ, समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा। न्यूट्री डाइट को आप हरेक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, और हाँ इसे आप ऑनलाइन भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 80595 37000 पर संपर्क करें। चुवाई बताई थी आपने? अच्छा जी, मास्टर जी एक बार टाइम दिखाना है, अब कितना हुआ है गूगल पे खोल लेना। गूगल प्लीज टाइम एंड डेट। It is 5 p.m. the 18th of February 2022. ठीक है जी, 18 फरवरी 2022 शाम के 5 बजे। ठीक है जी, सुबह 6 बजे मिल्किंग हुई है जी इनके सामने। तो 1 घंटा पहले होने लग रही है। हां 1 घंटा पहले इन्होंने 6 बजे सुबह मिल्किंग की थी। हां अभी 1 घंटा पहले होने लग रही है, क्योंकि अभी ये भैंसे लोड होगी इसलिए। हां इसलिए भैंसे लोड हो रही है, इसलिए 1 घंटा पहले मिल्किंग शुरू कर दी। ठीक है जी, 1 मिनट। अच्छा लग गई, चलो भाई पहले थन दिखाते हैं। ठीक है जी, ये तीसरे ब्यांत वाली भैंस थी जो असली पावर बिल्कुल जो होती है, दबा के देखो आप धार भी दिखाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा कोई ना भाई, थन धोले लेकिन निकालिए ना एक बार, तीनों थन दिखाऊंगा, थन धोले निकालना मत, ये देखो खाली वाली। हाँ भाई जी, ये देखो। हाँ जी, गली में भी सुनाई देगी। हाँ ये तो है ही, थोड़ी सीधी कर लेते भैंस को, सीधी करना अंडर है। ये होती है भाई चुवाई। ठीक है भाई, पछले की और मार के दिया भाई। ठीक है भाई जी, बिल्कुल बढ़िया, निकालो भाई ये देखो।
सही है भाई, ठीक है भाई, हाँ भाई ठीक है भाई। और ये आप थन देख सकते हो, एक बार हाथ मार के दिखा चारू हमें। और ये ड्रम में नशे देख सकते हो जी, बहुत शानदार, ये देखो जी बिल्कुल। और ये थन देख लो बिल्कुल मुट्ठी वाला भाई, धार मार के दिखा चारू हमें दोनों हाथों से, ठीक है जी। पछले की ओर, ठीक है जी, ठीक है भाई, लगे आई वैसे कोई नहीं, जरूर लगे आई। अच्छा पानी खिंडा दो ये, और एक बार थोड़ा दिखाता हूँ आपको, देखो जी ठीक है, धार मार के दिखा मेरे भाई, पचले क्यों मार दे, बिल्कुल बढ़िया भाई, ठीक है मेरे भाई निकालो, सही है भाई। कितने को होगी भाई ये, डेढ़ किलो से ऊपर, डेढ़ किलो से ऊपर, ठीक है भाई जी, ठीक है भाई निकालो तीनों की। ये देख सकते हो जी तीनों की मिल्किंग हो रही है, और एक घंटा पहले मिल्किंग हो रही है, क्योंकि ये भैंसे लोड होगी अभी महाराष्ट्र के लिए। और एक बात बताना चाहूँ भाइयों को, क्योंकि यार ये तो बस वैसे ही हिम्मत भाई बोल रहे थे कि ये तो दिखाओ, हाँ अपनी भैंसों जो इन भाइयों को दी है, तो ये तो पता चले पब्लिक को कैसी इनकी चुआई चुई है। लेकिन यही प्रार्थना करूँगा भाई चो, ये कोई बाहर का भाई उच्च अपने हरियाणा का जो पशुधन ले अपनी तसल्ली करे करो, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत आज के टाइम पर, आज मतलब गिने चुने आदमी रह रहे जो ईमानदारी है, मतलब अपना जो काम कर रहे हैं, तो अपना जो भाई पशुधन ले संतुष्टि करके लिया करो, और तसल्ली करके एक दो तीन टेम चुवाई करके बका अमन आ करो किसी के, या मेरे और किसी के अपनी जो भी देखो अपनी तसल्ली कराया करो। मास्टर जी सामने आओ एक बार, कैसे हो, तो आप टीचर हो, हाँ। थोड़े सामने आ जाओ, पैसे की चुवाई भी दिखती रहेगी, हाँ बैठ जाओ यहाँ पर। तो महाराष्ट्र से आप टीचर हो, टीचर हो किसी विषय के, हेड टीचर हूं, हेडमास्टर। अच्छा हेडमास्टर, अच्छा जी। तो आपने नया डेयरी फार्म स्टार्ट किया है, नया डेयरी फार्म, अच्छा आपने 6 भैंसे लिए, 6 भैंसे लिए, अच्छा पहली बार हिम्मत भाई के पास, पहली बार हिम्मत भाई के पास आई, कैसा लगा भाई का व्यवहार, भाई का बंदा एक ही चंगा है उनका व्यवहार, अच्छा स्वभाव भी एक नंबर है, हाँ और हीरा है, निकालो भाई निकालो, अच्छा कहाँ धोखाधड़ी नहीं, हाँ नहीं जो है सो बोल देते, और हमको इसको भैंसे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, अच्छा तो उन्होंने उसके बारे में उसको चुन चुन के हमको, हाँ किला दी, उनका धन्यवाद करूँगा मैं। और हरियाणा में तो अच्छा आदमी है जो कि सच्चाई में चलता है और नीति से चलता है, हाँ हर बार किसी को फंसाता नहीं, अभी तक का मैं उनका ही देखा हूँ, और उनका वीडियो देख के उनका मालूम देख के मैं उनके पास, ठीक है ठीक है। लेकिन आज भी मतलब ऐसे ऐसे बंदे बहुत है, मतलब गिने चुने है तो है, जी हाँ गिने चुने में, लेकिन जो नगर नहीं धरती पर अच्छे इंसान आज भी है, आज भी है अच्छे इंसान, ठीक है नी। मैं आपसे करीबन आधा पौना घंटा होया मैं जी यहाँ पर आए ना, क्योंकि एक दो वीडियो कवर करी है, हाँ आपका मुझे ये लगे कि आप ठीक शरीफ से बंदे हो, आपको मतलब इन्होंने हिम्मत भाई ने जैसा बताया कि आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी हिम्मत भाई ने आपसे अच्छा माल दिलाया, संतुष्ट हो आप इनसे, बिल्कुल संतुष्ट हो, ठीक है भाई निकाल लिया उसका, दो भाई रख लो यहाँ पर तीनों का एक साथ तोल देंगे, और एक मिनट थोड़े आप पीछे हो जियो, ये दूध है ना, हाँ हाँ पैदा मैं पहले ही बताऊंगा, अच्छा जी रात को मास्टर जी रात को यहीं रुके देखा, हाँ क्यों नहीं, हम बोला यहीं पर रुके घर पे नहीं जाए, तो सुबह मास्टर जी ने अपने हाथ से अपना जो नसीब है, हाँ हाँ आधा 6 बजे, अच्छा जी 6 बजे उठ के उन्होंने बच्चा लगा था, पता नहीं है 6:30 तक निकला है, 7 बजे 6 बजे मास्टर जी ने दूध निकलना शुरू कर बाद, हाँ और अभी एक घंटा सॉलिड इंसान है, अच्छा जी बहुत दिल के साफ आदमी है, हाँ हाँ चलो ये तो भगवान की किस्मत है, मेरा मास्टर जी वहाँ मुलाकात हो गई, हाँ 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 किसी और पे होती तो मास्टर जी का खरबूजा काट देते, अच्छा जाते नहीं, ठीक ठीक है, अच्छा ले आए कांडा, ठीक है जी चलो तोलो इसका, निकालना शुरू कर देंगे सारे, हाँ तीनों का एक साथ तोल देंगे, अरे राम
बच्चे के लिए कितना छोटा था? बच्चे को सफर में जाएगी एक के जी के आराम से। अच्छा जी, ठीक है जी, रख लो यहाँ पर। बच्चे के लिए सोचे कि दूध नहीं होगा। हाँ हाँ, कैमरा जरूर पास में। भाई जी ऐसे दिखा देता हूँ, एक मिनट, बच्चा ना छोटा मेरे भाई, ये जूम करके देख सकते हो जी आप। सफर में जाएंगे बच्चा? ठीक है भाई जी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। कंपटीशन है भाई, कंपटीशन में दूध दिखाना जरूरी है। हाँ हाँ, ये तो वैसे ट्राई के रूप में दिखा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बच्चे को भूखा नहीं छोड़ेंगे, बच्चा सफर में सुबह ही पिएगा और आज पूरी रात सफर में चलेंगे। आगे पीछे कर दूं? कोई ना, कर दो। ये दो नंबर वाली का है। ये दो नंबर मैंने पहले निकाला। हाँ हाँ हाँ, इसका 9-10 किलो है। अच्छा जी, ये जो दूध रिकॉर्ड करवाया था 21.5 किलो। अच्छा अच्छा जी, पीछे सारे में लास्ट में मेरे भाई। हाँ करो भाई जी, कांडा पास में आ जाओ। आ जाओ भाई, ये देखो जीरो। ठीक है भाई जी, हो गया लोक, रख दो बाल्टी को, लोक हो गया जी। 6 किलो 550 थोड़ा नीचे। हाँ अब अपसेट है, अपसेट दिख रहा था, ये देख सकते हो। ठीक है भाई जी, खाली बाल्टिया बाद में कौन, तीनों एक समान है। अच्छा जी, किसी भी बाल्टिया काटा कर लियो। ठीक है जी, सात किलो 75 ग्राम ठीक हो गया लोग जी, रखो नीचे। एक सेकंड एक सेकंड, अब दिखाओ जी। 7 किलो 75 ग्राम ठीक है जी, बंद करिए। ठीक है अगली का कर। सात किलो 580 ग्राम 75 पर लोग हो गया जी। 7 किलो 575 एक बार नीचे रख के अब दिखाओ जी, एक सेकंड रुको बस। 7 किलो ये हो गया जी। ठीक है जी, और एक मिनट बहुत देर से भैंस का बच्चा सूंघ रहा है। ये देखो जी, थोड़ा पोसे हुए थोड़ा, ये दार होती है। ना ना ठीक है भाई, ठीक है भाई। और इसमें आगे इनकी किस्मत है, मैं तो मास्टर जी हूँ, नए इंसान है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट मास्टर जी, ये नए है बिल्कुल। हाँ हाँ, वैसे तो ये काफी ज्यादा दूध की है। मैं तो मास्टर जी को यही बोल के दिया कि ये जो बड़ी भैंस है ये आपको आराम से 16-16 17-17 बिल्कुल देंगे।
आगे मास्टर जी की किस्मत है और यही बोल के क्या मास्टर जी कि वे 16-16, 17-17 देंगे मुझे। आप भी नू मान के चलो इन बैसों के नीचे 13-12, 13-12, 13 प्लस है, माइनस नहीं है और सभी कच्ची ले आई हुई मास्टर जी। अगर वो जो तो मास्टर जी के सामने बैठी पहले वाले दिन ही भी थी ईवीएम मान के चलो अगर मास्टर जी अच्छी खिलाएंगे अच्छे पिलाएंगे बहुत अच्छा दूध दे देंगे। अक्षय कोई नहीं कर देंगे। एक बात याद आ गई मुझे यहीं पर, सुबह इस भैंस का दूध कितना हुआ था कुछ? हाँ कुछ एस्टीमेट लमसम कितना हुआ होगा? 7 किलो से ऊपर ऊपर था। अभी आपने देखा कितना दूध हुआ है? कितना हुआ है अभी वो इसका ये करने का है ना, कितना का दूध हुआ कांडा का देखा था क्या आपने मास्टर जी? कितना दूध हुआ था इस पिछली भैंस का? इसका हाँ 7 किलो 575 ग्राम 7.5 किलो दूध, 7 किलो से ऊपर ऊपर था भाई। क्या बोल रहे हैं 12-13 किलो भैंस में दूध हो लिया, कितना दूध हो गया? 14 प्लस 15 का ढेकन हो गया, ले ले 14-14.5 के आसपास। बिल्कुल जो भी चीज देवांगे ना झूठ बोलते देवांगे नहीं, अगले के जाके फालतू निकले अच्छी है। अगर मैं इनका आपको बता देता कि 16-16, 17-17 किलो दूध और ये निकलता फिर 6-6, 7-7 किलो थोड़ा गलती काम सुबह अपने हाथ से निकलवा। ठीक है आपको ढेर सारे शुभकामनाएं, अच्छा काम करे और भविष्य में अपना नाम रोशन करे ठीक है। और जब भी पैसे लेने आए तसल्ली करके बिल्कुल। और पहले ये देखे कि बंदे कितना पुराना काम है, और बंदा सही में वो बंदा उसमें ईमानदार है क्या वो देखे। हाँ उसके आके घर बार देखे गांव में इज्जत कैसी है उसकी, लोग कैसे पूछते उसको, वो देखना जरूरी है ठीक है नहीं। और कितना भी भरोसे का बंदा रहा तो भी यहाँ आके 3-4 बार वो आप मिल्किंग टेस्ट करके ही यहाँ की भैंसा वो लेने चाहिए। हाँ लेना चाहिए ठीक है जी। मैं आप सबके आपके चैनल ठीक है आप भैंसों को लौट कीजिए और एक बाल्टी का कांडा दिखा दो जी। कितना होगा एस्टिमेट? वहीं आ जाओ, वहीं आ जाओ थोड़ा इसलिए भी दो दे ठीक है भाई हिम्मत भाई। के चलो जो 850 ग्राम है इससे ऊपर प्लस ही बच्चे ने पिया है। बच्चे ने नहीं पिया ठीक है जी, बाकी इनकी संतुष्टि होनी चाहिए ठीक है नहीं। देखो तीनों आ जाओ एक साथ, पता क्या बात है हिम्मत भाई, जिस भाई को मतलब इन भाई जैसे जिनको मैं सो ये नहीं पता थन का उनका कमेंट में क्या तो वही भी बोलते झूठ बोल दी फलानी तो कह दिया होगा उनका बतला लिया होगा, लेकिन जिसने तो इनकी संतुष्ट हाँ इन्होंने अपने हाथ से तो निकाला नहीं, अपनी आंखों से पास में बैठ के हाँ दूध निकलवा लगातार 4-4, 5-5 बार लगातार हाथ से, ये नहीं कि आज निकालिया कल निकाला, लगातार कंटिन्यू सुबह शाम सुबह शाम। बिल्कुल किसी भी प्रकार के मास्टर जी के साथ व्यवहार में आप इनसे पूछो अपने बात ठीक है ना। बाकी बात हो भी गई थी, व्यवहार कैसे लगे भाई का? व्यवहार तो एक नंबर व्यवहार है। हाँ घर हम 4-5 दिन से यहाँ है तो ऐसा घर की महसूस भी नहीं हुई कि हम हरियाणा राज्य में आके रहे हो। अच्छा अच्छा तो घर की तो याद भी नहीं आया हमारा उनके साथ में। ठीक ठीक। और ये मास्टर जी अपनी ड्यूटी कहाँ पर अभी? बरवाड़ा है भाई। अच्छा अच्छा तो इस टाइम आ जाते हो बस? हाँ इस टाइम ही फोन आ गया था भाई साहब, इसलिए सामान मंगा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ना ना जरूरी है भाई। बाकी अगर ये पशु है ना कहीं और से मतलब ये खरीद के ना मैं ये मानता हूँ इनको कम से कम भी 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए ऊपर देने पड़ते हैं। अच्छा जी ये हिम्मत भाई की मेहनत है। हाँ हाँ जिसकी मेहनत की वजह से मतलब जो है इन्होंने इतने ठीक भाव ये देख सकते हो भाई। और एक और देखो भाई इन भैंसों का पहले आपने जोश भी देखा होगा पिछली वीडियो में, अभी देख सकते हो नींबू आलू चढ़ गया भाई। देखो देख जमा और तीनों का दिखाऊंगा आपको ये देखो ठीक है भाई, और उसको और आप देख सकते हो ठीक है भाई। हिम्मत भाई अपना मोबाइल नंबर 98-131-17-04 ठीक है जी भाई का नंबर मास्टर जी का भी। हाँ जी बोलो जी 98-122 हाँ 22584 ठीक है जी। यू भाई का नंबर चल रहा, जो भाई चाहे भाई से बात कर लियो, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, जो जो भाई वीडियो देख पाए सब भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। जय जवान जैक्सन, और आपको नए डेयरी फार्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप यदि फिर भी आए पैसे लेने कभी आए तो हमें जरूर याद करें, आपकी फिर से वीडियो कवर करेंगे जी। हाँ, और आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय जवान जैक्सन, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।